आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो अगर बात करें साउथ अफ्रीका की तो सीरीज़ डिसाइडर में काफ़ी जोर शोर से परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे जो इनकी कैप्टन है लॉरा वर्ल्ड लास्ट मैच नहीं खेली थी इलनेस की वजह से बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस मैच में दोबारा से खेलते हुए दिखेंगी श्रीलंका की मैं बात करूं तो कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा जो उनकी मेन प्लेयर है चमारी अट्टापट्टू ने इतनी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी थी एक्सेप्ट फॉर वन विकेट एंड उसके बिना भी वो साउथ uh, अफ्रीका को हराने में कामयाब रहे उन्हीं के घर में कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा एंड इस मैच में वो भी पूरी तरह से चाहेंगे कि सीरीज़ को अपने नाम कर सकें बात करें दोस्तों अगर मैं हेड टू हेड की तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका का एक्सलेंट रिकॉर्ड रहा है अगेंस्ट श्रीलंका बाय इलेवन इज टू फाइव ग्यारह मैचेज जीती है साउथ अफ्रीका पांच जीती है श्रीलंका बात करते हैं दोस्तों प्रॉबल इलेवन की तो पहले देखते हैं साउथ अफ्रीका का प्रॉबल इलेवन तो हम एक्सपेक्ट करें लोरा इस मैच में खेलते हुए दिखेंगी टाजमिन ब्रिज एनिक बॉश ब्रिलियंट फिफ्टी मार्कर आ रही हैं लास्ट मैच में मारिजान कैप ने भी रंस बनाए सोन लूस क्लोई ट्रायन नडीन डी क्लर्क कराबो मीसो इनके विकेट कीपर एन लाबा मासाबाता क्लास तुम्हें सुख कुने श्रीलंका के प्रॉब्लम इलेवन की बात करें तो विषमी गुनारत ने चमारी अटापटू इनकी कैप्टन हर्षिता समारा विक्रमा हसीना परेरा कविशा दिल्हारी ने लाक्षी डिसिल्वा अनुष्का संजीव ने इनकी विकेट कीपर अचीनी कुला आइनोशी फर्नांडो उदेशिका प्रबोधनी और आइनोका रानवीरा खेलते हुए आपको दिखेंगे लास्ट मैच के परफॉर्मेंसेज की अगर मैं बात करूँ दोनों साइड से तो पहले हम देखते हैं साउथ अफ्रीका की तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा रन साउथ अफ्रीका के साइड से अनका बोश ने बनाए जो कि 50 रन बनाकर आ रही है मेरेजन कैप ने 44 फोर रन्स की पारी खेली थी विकेट्स की अगर मैं बात करूं तो सैखो खूने ने ट्रायन ने और नडीन टीकलक ने एक एक विकेट निकाली थी वहीं श्रीलंका से अगर बात की जाए तो विश्मी गुनरथ ने इस मैच की टॉप स्कोर थी कविशा दिलहारी भी नॉट आउट रही फोर्टी फाइव पे विकेट्स की बात की जाए तो अचीनी कुलसूर्य ने दो विकेट्स निकाली इसके अलावा प्रिया दर्शनी ने एक विकेट ली अटापट्टू ने एक विकेट ली और एक कविशा दिलहारी लेकर आ रही है अब बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की तो ये मैच खेला जाएगा बफेलो पार्क ईस्ट लंडन में जहां पे एवरेज फर्स्ट टीम स्कोर लास्ट चार गेम्स में देखा गया है, 128 ट्वेंटी का टीम बैटिंग सेकंड तीन बार ही जीती है लास्ट चार गेम्स में से पेस वर्सेस स्पिन की अगर इन चार गेम्स में मैं बात करूं तो पेस ने अराउंड 53 परसेंट विकेट्स निकाले हैं वहीं स्पिनर्स ने अराउंड 47 परसेंट विकेट्स निकाले हैं आपको दोनों ही गेम में यहां पे दिखने चाहिए बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड इन टी ट्वेंटी इंटरनेशनल की सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर तो पहले यहाँ देखेंगे साउथ अफ्रीका के बैटर्स का रिकॉर्ड तो लॉरा वर्लवाट ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं सेवन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन रस बना चुके हैं केवल बीस इनिंग्स में फोर्टी नाइन की एवरेज से एक सेंचुरी है इनके नाम और छह बारी हाफ सेंचुरी इन्होंने लगाई है टाजमिन ब्रिज है नंबर दो पे थर्टी सिक्स की एवरेज से सिक्स इलेवन रन बना चुके हैं ट्वेंटी इनिंग्स में मार्जन कैप ने थ्री सेवेंटी सेवन रन बनाया है ट्वेंटी नाइन की एवरेज से फोटीन इनिंग्स में एंड सून लूज बना चुके हैं थ्री सेवनटीन रन्स इन ट्वेंटी इनिंग्स इनके बोलर्स की बात करें तो एन लाबा ने निकाली है नाइनटीन विकेट्स ट्वेंटी फाइव की स्ट्राइक रेट से ट्वेंटी फाइव ही इनिंग्स में मासाबाता क्लास अठारह इनिंग्स में सोलह विकेट्स निकाल चुकी है बीस की स्ट्राइक रेट से मारिजन कैप ने फोर्टीन विकेट्स निकाली हैं आया बोंगा खाखा बारह विकेट्स निकाली है लॉन्ग विद नदीन डी क्लर्क एंड क्लोई ट्रायन की मैं बात करूँ तो पंद्रह इनिंग्स में ग्यारह विकेट्स ये निकाल चुकी हैं तुमी सेकुखू ने आठ विकेट्स निकाली है सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट इन्हीं का रहा है सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर सेवनटीन की स्ट्राइक रेट से इन्होंने निकाली हैं आठ विकेट्स इन सेवन मैचेस श्रीलंका की तरफ चलते हैं तो इनके बैटर्स में चमारी अट्टापटू ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं क्लोज टू फाइव हंड्रेड रन्स बना चुके हैं एटीन इनिंग्स में ट्वेंटी एट की एवरेज से समारा विक्रमाती नंबर दो पे फिफ्टी टू की बहुत ही बेहतरीन एवरेज से फोर सेवेंटी वन रंस इन्होंने बनाए हैं सिक्सटी इनिंग्स में मीनाक्षी डिसिल्वा थर्टी वन की एवरेज से टू फिफ्टी वन रन्स बना चुकी हैं एंड वहीं विश्मी गुनरत्न ने, ने बनाए हैं टू फोर्टी टू रंस इन सेवेंटी इनिंग्स इनके बोलर्स में एनोकर आनवीरा ने ली है सबसे ज्यादा विकेट्स बीस विकेट्स निकाल चुकी हैं नाइनटीन की स्ट्राइक रेट से उदेशिका प्रबोधनी ने निकाली है पंद्रह विकेट्स ब्रिलियन सेवेंटीन की स्ट्राइक रेट से कविशा दिलहारी चौदह विकेट्स निकाल चुकी है अलॉन्ग विद अनुशी फर्नांडो बट अनोशी फर्नांडो को स्ट्राइक रेट राय सबसे अच्छा एवरी थर्टीन बॉल्स विकेट्स लेते हुए वो दिखी है इसके अलावा चमारी अट्टापट्टू ने नौ विकेट्स निकाली हैं चौदह इनिंग्स में तो दोस्तों रिकॉर्ड अब हमने डिस्कस कर लिया अब सीधा बनाएंगे अपनी अपनी बेस्ट टीम जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पर जहां पर होता है बहुत बड़ा मेगा कॉन्टेस्ट आईपीएल के मैचेस में एंड जो ये मेगा कॉन्टेस्ट है प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग मेगा कॉन्टेस्ट आपको देखेगा रोज आप देखोगे कि वैल्यू बढ़ रही है तो आप जल्दी से खेलना शुरू कर दो क्योंकि आपके विनिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड आप ज़्यादा विनिंग्स भी वहाँ पे कर सकते हो आपको लिंक मिल जाएगा फैंटेसी अखाड़ा का पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एंड आप ऐप स्टोर पर जाकर सर्च भी कर सकते हो एंड अलॉन्ग विद दिस बिग मेगा कॉन्टेस्ट अगर आप हमारा रेफरल कोड व्यूज पोर्ट यूज़ करोगे तो वहां पर आप और भी एक्साइटिंग ऑफर्स पा सकते हैं बेस्ट टीम बनाते हैं दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में जो डिफॉल्ट पिक हो जाती है वो हो जाती है श्रीलंका की अनुष्का संजीवनी इनके बैटिंग के आने के चांसेस कहीं ज्यादा है कंपेयर टू साउथ अफ्रीका की जो विकेट कीपर है उनके बैटिंग के आने के चांसेस एंड प्लस स्पिन स्पिनवी बोलिंग अटैक रहता है श्रीलंका का जहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन्हें एक्स्ट्रा स्टंपिंग के पॉइंट्स और कैचिंग के पॉइंट्स भी मिल सकते हैं बैटिंग सेक्शन में चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे लोरा वुलवाट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस गेम में खेलते हुए दिखेंगी साउथ अफ्रीका की ओपनर है मेड इन टी ट्वेंटी बनाकर आ रही हैं पिछली आउटिंग में ही 102 एंड इन्होंने बनाए थे पिछले तेरह टी ट्वेंटी इंटरनेशनल्स की बात करूं दस में चालीस से ज़्यादा रनस बनाकर आ रही हैं पिछले पांच टी ट्वेंटीज़ की बात की जाए तो टू फोर्टी वन रन बनाए फॉर्टी एट की एवरेज से डब्ल्यू पी एल में भी हमने देखा था टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीरीज काफ़ी अच्छी फॉर्म में आते हुए दिखी थी इनके मैचअप्स की अगर मैं बात करूं थर्टी सेवन की एवरेज से बनाए हैं रन श्रीलंका के बोलर्स के अगेंस्ट चार बड़े जरूर आउट हुई हैं जिसपे प्रबोधि ने दो बार ही आउट किया है नेक्स्ट होगी अनिका बोस जो कि अब नंबर तीन पर आते हुए दिखेंगी ओपन किया था इन्होंने लोरा वोलवाट के एब्सेंस में एंड जैसे मैंने आपको बताया लास्ट मैच में टॉप स्कोरर थी साउथ अफ्रीका की साइड से क्विक फायर हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही हैं एंड इसके अलावा पिछले पांच टी ट्वेंटी की मैं बात करूँ जो ये घर में खेली है उसमें थर्टी के एवरेज से वन एटी रन अभी अब बना चुकी हैं ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे बहुत सारे प्लेयर्स रहेंगे पहली हो जाती चमारी अट्टापटू जो कि श्रीलंका की लेफ्ट हैंडेड ओपनर भी है ऑफ स्पिनर भी डालते हुए दिखेंगी एक्सिलेंट फिगर्स पिछले गेम में भी फुल कोट ऑफ ओवर्स दिए केवल 18 रन्स दिए और एक विकेट भी इन्होंने निकाली बट बैटिंग से कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाई थी सेकंड हाइज रन गेटर है स्टिल हेड टू हेड गेम्स में थ्री थर्टी बनाए हैं ट्वेंटी की एवरेज से एंड इसके अलावा श्रीलंका के लिए तो लीडिंग रन स्कोर है ही सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर मैचअप्स का थोड़ा सा इनको थ्रेट रहेगा काप के अगेंस्ट थोड़े मैचअप्स खराब हैं छह बार ने आउट कर चुकी है एंड एवरेज है केवल 8.5 का बट अगर मैं बोलिंग मैचअप्स की बात करूं तो साउथ अफ्रीका के जो बैटर्स हैं कुछ स्ट्रगल करते हैं ऑफ स्पिन पे तो आप यहाँ देखोगे टाइजमिन ब्रिट्स सोलह इनिंग्स में से पांच बारी आउट हुई है अनिका बोश भी तीन बारी आउट हो चुकी है और एनरी डॉक्सन भी तीन इनिंग्स में से दो बारी आउट हो चुकी है अगली होगी मेरेजन कैप नंबर चार पे आएंगे साउथ अफ्रीका की काफी अच्छा नौ खेला था लास्ट गेम में भी फोर्टी फोर रन बनाकर आ रही है इस वेन्यू की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट मैच जो इस वेन्यू पे खेली थी उसमें हाफ सेंचुरी लगा कर आ रही है बट बॉलिंग से कुछ अभी तक ध्यान नहीं किया है पिछले पांच आउटिंग्स में केवल एक विकेट ही है इनके नाम लीडिंग रन गेटर है इस सीरीज की एक सौ रन बना चुकी हैं फिफ्टी की एवरेज से एंड इसके अलावा पिछले आठ टी की बात करें तो ग्यारह विकेट से निकालकर आ रही है इनके मैचअप्स की बात करूं बैटिंग मैचअप्स की तो 177 सेवेंटी सेवन बनाया 30 की एवरेज से श्रीलंका के बोलर्स के अगेंस्ट जिसमें रानवीरा ने इन्हें आउट किया है दो बारी एंड इनके बोलिंग मैचअप्स की मैं बात करूं तो एक्सपेक्टेड श्रीलंका के 11 के अगेंस्ट नौ विकेट्स निकाल चुकी हैं एक सेफ कैप्टनशिप हमेशा रहती हैं नेक्स्ट होगी क्लोई ट्रायन साउथ अफ्रीका की नंबर छः पे मोस्टली बैटिंग करते हुए दिखेंगी इनकी लेफ्ट आर्म स्पिनर है बेस्ट बोलिंग फिगर्स था साउथ अफ्रीका के लिए पिछले गेम में तीन ओवर्स डाले चौदह रन दिए इन्होंने और एक विकेट भी निकाली डिसेंट ऑलराउंड रिकॉर्ड रहा है इस वेन्यू पे चार इनिंग्स में एक सौ एक रन्स भी बना चुकी हैं पांच विकेट्स भी निकाल चुकी हैं पिछले सात टी ट्वेंटीज की अगर मैं बात करूं तो वन ट्वेंटी थ्री रन बनाकर आ रही हैं एंड पिछले आठ टी ट्वेंटी इंटरनेशनल की बात करूँ जो घर में खेली है उसमें भी अच्छा ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है वन सेवेंटी बनाए हैं नाइन विकेट्स भी निकाली है नेक्स्ट होगी नडीन डीकलग साउथ अफ्रीका की नंबर सात पे आने वाली अनबीटन नौ खेला सिक्सटी नॉट आउट का लास्ट मैच में और एक विकेट भी इन्होंने निकाली इसके अलावा पांच आउटिंग्स की मैं बात करूँ तो नौ विकेट वहां भी निकाल कर आ रही है एंड पिछले आठ टी ट्वेंटीज में ग्यारह विकेट्स निकाल चुकी है शीज ऑलसो बीन एन एक्सलेंट फॉर्म विद वन नाइनटी फोर रन्स बनाए हैं वोपिंग फोर्टी नाइन की एवरेज से पिछले ग्यारह टी ट्वेंटीज में एंड इस वेन्यू की मैं बात करूँ तो सिक्सटी सिक्स रन यहाँ भी बना चुके हैं थर्टी थ्री की एवरेज से जो लास्ट हम ऑलराउंडर लेके जाएंगे वो है श्रीलंका की कविशा दिलहारी नंबर पांच पे आएंगी प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था लास्ट मैच में इन्होंने एक विकेट भी निकाली एंड क्विक फायर 45 फाइव रन भी बनाकर आ रही है इनफैक्ट नॉट आउट भी रही थी पिछले तेरह टी ट्वेंटी इंटरनेशनल की बात करूं तो चौदह विकेट्स निकाल चुकी हैं चलते हैं दोस्तों बोलिंग सेक्शन में तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी साउथ अफ्रीका की राइटा मीडियम पेसर तुम इसे खोकू ने पिछले मैच में एक विकेट लेकर आ रही है साउथ अफ्रीका के लिए लीडिंग विकेट टेकर इस सीरीज में बन चुकी हैं टोटल तीन विकेट्स निकाल चुकी हैं छः हेटवेड है आउटिंग्स की बात करूं तो वहां पे भी छः विकेट्स इन्होंने निकाली हैं एंड पिछले दस टी ट्वेंटी इंटरनेशनल्स की बात करें सोलह विकेट्स निकाल कर आ रही हैं ऑफलेट काफ़ी अच्छी फॉर्म में ये चल रही है अनड्रॉपेबल है आपकी टीम से इसके अलावा इस वेन्यू की बात करूँ एक ही मैच खेली है जहाँ टू फर इन्होंने निकाला है नेक्स्ट हो जाएंगी अचीनी कुलासूर जो कि श्रीलंका किरायटा मीडियम पेसर बेस्ट बोलिंग फिकर्स था ओवरऑल पिछले गेम में शी वाज़ द ओनली बॉलर जो दो विकेट्स लेकर आ रही हैं लीडिंग विकेट टेकर भी हैं सीरीज में चार विकेट्स ले चुकी हैं प्लस पिछले चारों टी ट्वेंटी इंटरनेशनल इन्होंने खेले हैं चारों में ही हमक स विकेट्स ये दिखी हैं तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम जहां विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके जाएंगे संजीवनी को बैटिंग सेक्शन में लॉरा वोलवर्ट अनिका बोश ऑलराउंडर सेक्शन में होगी चमारी अट्टापट्टू मैराजान कैप लोई ट्रायन नडीन डी क्लर्क और कविशा दिल्हारी बॉलिंग सेक्शन में तुम ही से खुखने और अचीनी कुलासूर बनाएंगे अब अपनी हम सिनेरियो वाइज टीम तो पहली जो सिनेरियो हम लेके जाएंगे वहां है जहां पे साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करती है तो क्या बनेगी आपकी टीम हमारा जो विकेट कीपिंग सेक्शन है बैटिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन है सेम रहेगा हम यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक बोलर को लेके जाएंगे श्रीलंका की साइड से उनकी ऑफ स्पिनर आइनोशी फर्नांडो को इंप्रेसिव फिगर्स पिछले गेम में ये भी एक विकेट लेकर आ रही हैं तीन ओवर्स इन्होंने डाले थे एंड पिछले नौ टी की मैं बात करूँ तो केवल एक मैच में विकेट लेस ये रही है टी ट्वेंटी इंटरनेशनल में कम किया इन्होंने लास्ट ईयर एंड तब से चौदह विकेट्स निकाल चुकी है केवल दस आउटिंग्स में एंड शीज वन ऑफ द ओनली टू श्रीलंकन बोलर जो अमंग्स द विकेट्स रही है दोनों ही गेम्स में श्रीलंका के लिए तो दोस्तों ये बनेगी हमारी टीम जब साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रही होगी तो विकेट कीपिंग सेक्शन में अनुष्का संजीवनी बैटिंग सेक्शन में वुलवाट और अनिका बोश ऑलराउंडर सेक्शन में अट्टापट्टू काप ट्रायन नडीन डी क्लब कविशा और बोलिंग सेक्शन में सेखो खूने अजिनी कुल्सूर्य और अनुषी फर्नांडो दूसरे सिनारियों की बात करते हैं जहाँ पे साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही होगी तो यहाँ पे हम साउथ अफ्रीका की एक्स्ट्रा बोलर को लेके जाएंगे जो कि हो जाती है मासावाता क्लास सात हेड टू हेड आउटिंग्स में सात विकेट्स निकाल चुकी हैं इस वेन्यू पे पिछले तीन आउटिंग्स में पांच विकेट्स भी निकाल कर आ रही हैं प्लस श्रीलंका के टॉप फाइव के अगेंस्ट भी पांच विकेट्स ये निकाल चुकी हैं मा सब क्लास को बोलिंग फर्स्ट अप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो तो बन गई हमारी टीम जब साउथ अफ्रीका पहले बॉलिंग कर रही है तो अगेन विकेट कीपिंग सेक्शन में संजीवनी बैटिंग में वुलवाट एंड बॉश उउंडर सेक्शन अड्डा कविशा बोलिंग सेक्शन होगी और दोस्तों, हमने आपको बेस टीम दे दी है ही एक चीज आपको याद रखने वाली ये है कि पहले आ जाते हैं बट जैसे कि हमने बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखा था सेकंड टी इंटरनेशनल मैच में जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैटिंग ऑर्डर को पूरा ही चेंज कर दिया था विच वी गॉट टू नो टू थ्री मिनट्स बिफोर द डेड एंड हो सकता है नेक्स्ट मैच में भी वो हो एंड हो सकता है इस मैच में भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा जो लास्ट मिनट अपडेट्स हैं ऐसे कुछ भी बड़े चेंजेस होते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इसके अलावा जिस मैच की मैं बात कर रही हूं जहां पे ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश ने खेला सेकेंड टी ट्वेंटी आई मैच उसमें व्यू स्पोर्ट ए टीम का भी हुआ काफी बेहतरीन क्लीन स्वीप एट थर्टी फोर पॉइंट्स बने एंड व्यू स्पोर्ट ए टीम के पास थी उस मैच की सबसे बड़ी डिफरेंशियल पिक फरीहा इस्लाम जो कि चार विकेट्स लेकर गई तो आप किस बात की देर कर रहे हो व्यू स्पोर्ट की ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं करिए तो कर लेना लिंक उसका भी है पिन कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में वहां आपको मिल जाएगी हर एक फुटबॉल और हर एक क्रिकेट मैच की फैंटेसी इलेवन एंड वहां पे आईपीएल का सीजन पास भी है लाइव जो केवल है रुपीज नाइन 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 में जिसमें आप आईपीएल के सारे मैचेस का फैंटेसी इलेवन देख सकते हो तो जल्दी से कर लो व्यू स्पोर्ट की ऐप भी डाउनलोड बात करते हैं दोस्तों अब कैप्टनसी पिक्स की तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी ऑलराउंडर सेक्शन से ही श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू और साउथ अफ्रीका की मारे कैप डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स में हम जाएंगे लॉरा वुलबर्ट के साथ और नडीन डी क्लब के साथ तो दोस्तों ये हमारा आज का प्रिव्यू व्यू स्पोर्ट को हराओ वर्ल्ड कप जॉ खेलना मत भूलना वो कैंपेन भी है लाइव आपको केवल व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड करनी है एंड वहां पे जो व्यू स्पोर्ट ए टीम आती है आई के मैचेस की उस टीम को देखकर अपनी टीम बनानी है एंड उस टीम को हराना है आपको खेलने होंगे मिनिमम 20 मैचेस आई के एंड हराना होगा 50 परसेंट से ज़्यादा क्वालिफाई करने के लिए एंड एट द एंड ऑफ द सीजन टॉप टू विनर्स के पास मौका है वर्ल्ड कप लाइव देखने का फ्रॉम द स्टेडियम एंड इसके अलावा और भी ढेर सारे प्राइजेस हैं जो आप लोग पा सकते हो तो ये भी जल्दी से खेलना शुरू कर दो अगेन व्यूजपोर्ट का जो ऐप लिंक है आपको मिल जाएगा पिन कॉमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रव्यू के साथ थैंक यू सो मच